मुंडा क्या अपेक्षा करे इस बार, क्यों अर्जुन मुंडा को हराए? क्यों नहीं हराएंगे, कभी क्षेत्र नहीं गए हैं, कभी घूमे नहीं, एक ईटा नहीं जोड़े हैं, कभी वहाँ के क्षेत्र के लोगों का काम नहीं किया है, इवन अपना संसद मत का पैसा भी अपना नहीं खर्च कर पाए। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार खूंटी में जनता क्या मांग? हम लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जल जंगल जमीन हड़पने का फेरा में रहता है। और जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी जो कहती है, जो घोषणा करती है, जो मैनिफेस्टो उसको पूरा भी करती है, निश्चित रूप से जिस तरह से आज भीड़ थी और जिस तरह से तालियां बज रही थी, निश्चित रूप से सब लोग खुश हैं। और पार्टी के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया है बसिया में, किस तरीके से कहते हैं कि 1,00,000 रुपया अब युवाओं को महिलाओं को मिलेगा और सरना कोर्ट को लेकर उन्होंने खुल के कह दिया कि अब दिल्ली में रुकावट नहीं बनेगी सरना कोर्ट। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो कहता है सो करता है, राहुल गांधी जो बोले हैं सो होगा। खूंटी की जनता क्या अपेक्षा करे इस बार, क्यों अर्जुन मुंडा को हराए? क्यों नहीं हराएंगे, कभी क्षेत्र नहीं गए हैं, कभी घूमे नहीं, एक ईटा नहीं जोड़े हैं, कभी वहाँ के क्षेत्र के लोगों का काम नहीं किया है, इवन अपना संसद मत का पैसा भी अपना नहीं खर्च कर पाए। क्यों कालीचरण मुंडा को चुने इस बार? क्यों नहीं चुने? परिवर्तन जरूरी है। क्यों नहीं चुनेगा? जनता के बीच रहते हैं, जनता के हित हक का काम करते हैं, बात करते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार खूंटी में जनता क्या मांग? हम लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जल जंगल जमीन हड़पने का फेरा में रहता है। तो देखिए कालीचरण मुंडा थे जिन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन की यह पार्टी है और इस बार बचाएंगे। सिमडेगा के विधायक भूषण बारा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया है यहाँ गुमला के बसिया में। दादा क्या कहेंगे जो घोषणा आज यहाँ से राहुल गांधी जी ने किया है, क्या कितना ये हमारा जो घोषणा हुआ है सभी लोग जान रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो गारंटी है उसका पूरा देश में इसका ये हो रहा है, लहर है। और जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी जो कहती है, जो घोषणा करती है, जो मैनिफेस्टो उसको पूरा भी करती है, निश्चित रूप से जिस तरह से आज भीड़ थी और जिस तरह से तालियां बज रही थी, निश्चित रूप से सब लोग खुश हैं। और हमारे जो प्रत्याशी हैं कालीचरण मुंडा जी और हमारे सुखदेव मुंडा जी, इनका अच्छा पहचान है, पकड़ है अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, निश्चित रूप से दोनों सीट हम लोग निकाल रहे हैं। हाथों में संविधान लिए हुए थे राहुल गांधी जी, क्या परिवर्तन इसलिए जरूरी है? संविधान बचाने के लिए लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में, आप लोग एकदम जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं और पूरे देश को लोग देख रहे हैं, उनका जो कहना भी है कि हमारे देश, जिस तरह से मैं अपने संबोधन में कह रहा था कि ये जो संविधान बनी थी ये हमारे बाप दादा पुरखाओं ने इस तरह का हमारे में इसका निर्माण किया था, उससे हमने संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए ये संविधान देश के लिए जो बना है, हमारे यहाँ इस देश के लिए बहुत बढ़िया संविधान है, इस संविधान को किसी भी कीमत में इस संविधान को ख़त्म होने नहीं दी जाएगी। क्या कांग्रेस सरकार में खटाखट आएगा? देखिए अभी जो भी है ना, हमारा ये है महिलाओं पर खटाखट आएगा, हमारे बेरोजगारों पर खटाखट आएगा, हमारे किसानों पर खटाखट आएगा, हमारे जितने भी इस तरह से हमारे हैं सबों का में खटाखट बजेगा। चलिए तो खटाखट जो है अकाउंट में पैसे आने की बात जो है सिमडेगा के विधायक भूषण बारा ने कहा है। कालीचरण मुंडा को आपने सुना जो खूंटी से कांग्रेस से उम्मीदवार है, और सीधे तौर पर जुड़ेंगे हम लोहरदगा से जो प्रत्याशी हैं सुखदेव भगत, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका जो है राहुल गांधी के सभा की समाप्ति के बाद कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपने सहयोग अमन के साथ जेके न्यूज के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।